वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन ब्रेक का पेरी जे पीएमएलएन जी रहनुमा डॉक्टर आशा घोष पाशा साहब से गाल बोल कई पीएमएलएन जो मौकफ मालूम किया इन सजी सूरत हाल में जी स्टेक होल्डर पार्टी आए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए हुकूमत में आए वफाकी हुकूमत इन है बई जे मामला चाहे धरने जो मामलो हो मियां नवाज शरीफ की सेहत उनके हवाले से जी शरात रखी हुई हुकूमत की तरफा वो मामलो हो बिन्हीं मामलों में जो मेन किरदार है वो हुकूमत जो है इन वक्त जय प्रकाश असा गुड मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहा रहनुमान मेंबर कौमी असेंबली उनसा गाल बोल कंदी मालूम कंदी तो इन सजी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ किथे बीठल नजर थी अचे उनको कड़ो किरदार है साईं वड़ी मेहरबानी वक्त दिनो साईं जी की सजी सूरत हाल आ धरनो भी खत्म थी सवाल एक पैदा तो थे जो मैं तुछन चाहस हुकूमत वट अड़ो कड़ो फार्मूलो आ जो सेनेट वाली तहरीक के भी खत्म कराने में वो किरदार अदा करे थी धरनो खत्म कराने में वो किरदार अदा करे थी सिंध में काफिला आया असान का पंजाब में रोक रोक कई केपीके में आया बलोचिस्तान में आया उन्हें भी पुरमन तरीके से आया अस उन्होंने पुरमन तरीके से वायदो किया जगह दिनी उनो जैसे मौसम नवंबर जो मौसम हो सर्द मौसम हुई जैसे बारिश की मौसम आई इस्लामाबाद में तो असान वजी पाकिस्तान इमरान खान जे खुद सी डी ए के पाबंद किया उतरे ऐसो गाल मसलो चाहे तो मौलाना फजल रहमान जो जो धरणु हो उन्हें जो कुछ जवाब न पे पैदा थो अस जैसे धरणु हों तो अस हर मरहल तय मुल्क धरना की बर्दाश्त न कर सके मां समझा तो जो उनके जायज मुतालबा होंदा जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में हुजन या जुडिशल कमीशन के बारे में हुजन या इलेक्शन कमीशन जी में सुधार उन मूँ बुधी सके तो वेही सके तो फॉर्मूलो सिंपल ही है मान के तवा प्यार मोहब्बत अचान दियो जैसे उनके धरणु जो अवाम उनको मोट दिया तो धरणु कामयाब हुआ मानू दिखो तो धरने में कुछ कहना मानू वापस हलया वह हाँ प्लेन बी है मान तो समझा प्लेन बी कामयाब पर उनकी जमहूरी हक अस इजाजत दिनी है प्लेन बी में वन मैं प्लेन बी फेल हो प्लेन सी भी फेल हो खे समझ गाल कोन थी अचे हुकूमत कड़ो फार्मूलो भरियो या चौधरी बरादरान के वजीफो बुधायो छा बुधायो ये तो तमाम मुझे ख्याल में ये सवाल मौलाना फजल रहमान का पुछो तो जैसे पीटीआई 126 दिन धरणो आयो अस 126 दिन में भी वजीर मंगा इस्तीफा न वी सी तो बार ने भी इस्तीफा कि मिलता चो तो धरना सियासत कामयाब ना करो धरणो बेसिकली मुझी जो जाती राय है तो धरना सियासत में तुम वजीर अजम का प्रेशर विझण ला मुतालब कर सको था पर इन धरने सियासत में तुम जायज मुतालबो खी अचो जिसमें आवाम की भलाई हो
फर्क नसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करे तो ही शरायत ही गाल हुआ ना साढ़े छह बजे मौलाना ऐलान तो करे तो धरनो खत्म जैसे तो असा इतलात जरिए मूजब तो यो तो शायद धरनो छवी नंबर से वापस कर प्रेशर विधो वे छो तो छवी नंबर तो मेन सेंटर है आम तरफ तो इस्लामाबाद अचान लाहौर पंजाब के मिलाने के लिए केपी के साथ मिलाने वो टाइमिंग अलग अलग मामला धरणो अलग मामलो नवाज शरीफ की सेहत जो अलग मामलो मां समझ न तो समझा इन बिन्हीं के पान में कोई लिंक ना है नवाज शरीफ की जी बीमारी है वो बिल्कुल अलग इशू आनमें तो अग भी जैसे हिंदर उनके बिन महीन की ब महीना की रिपोर्ट उनके जमानत दिनी है वो बेल से उनका सरस हॉस्पिटल बोर्ड ठाए पो जैमें बोर्ड में शौकत खाना में डॉक्टर भी हुआ कराची में भी डॉक्टर आयो इन में जैसे असल हकीकत अस खबर पी तो प्लेटलेट सेल्स घटन तो हुकूमत पो किदार अदा किया तिब्बी सहूलत सब मुहैया क्यों हाँ जैसे कोर्ट उन जमानत दिनी कोर्ट उन एग्जीक्यूटिव वन बाहर डॉक्टर ने इलाज बाहर की सलाह दिनी तो उन्होंने गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट कई गवर्नमेंट जो अजीज आ पर गडो गड कानून के भी नजर में रखे हुए असो बुनियादी असि हुकूमत की जिम्मेदारी थे जयप्रकाश साहब गालबोल जो सिलसिलो जारी रखासी वी ब्रेक ब्रेक का गाल बोल कहसी जी सियासी बयानबाजी सिलसिलो हुकूमत अपोजिशन बिन्हीं तरफा थे मामले में गाल बोल कहसी नाजिर वी ब्रेक ब्रेक का हाजिर थी।